नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर्स सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 जो रिसेंटली रिलीज हुई है। किसने रिपोर्ट रिलीज की है, क्या है रिपोर्ट, क्या दिया गया है इसमें, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रंट रनर्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपिल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, रविशेक, एंजल, वंशी, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपिल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विद रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहाँ पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा, 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज़ प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द NCERT कोर्स जो कि पूरे के पूरे बेसिक NCERTs को कवर करेगा फॉर दिस अमाउंट। वी हैव द फुल GS कोर्स जो कि UPSC, UPPSC, MPPSC या CGPSC के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा, इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। तो रिसेंटली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने रिलीज किया है एंड ये स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 ईयर के लिए किया हुआ है। 2020 ईयर को कहा गया है कि इट इज द 8th वार्मेस्ट ईयर सिंस इंडिया स्टार्टेड कीपिंग रिकॉर्ड्स इन 1901। तो 8th वार्मेस्ट ईयर कहा गया है 2020 को। एंड स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जो है टेम्परेचर, रेनफॉल ट्रेंड्स को दर्शाता है और इसके बारे में पूरा जानकारी जो है वो देता है। तो 8th वार्मेस्ट ईयर कहा गया है, तो ये एक इंडिजिनस क्लाइमेट को का आकलन रखने के लिए रिपोर्ट कहा जा सकता है बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, तो इस रिपोर्ट के और भी हाईलाइट्स अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड द एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन द कंट्री वॉज 0.29 degrees अबव नॉर्मल। 29 ईयर एवरेज ऑफ 1981-2010 से भी जो है 0.29 degrees ज़्यादा था ड्यूरिंग 2020 एंड हाउ एवर इट वॉज मच लोअर देन 2016 में 0.71 degrees सेल्सियस ज़्यादा था, और ये जो है रिमेन्स द वार्मेस्ट ईयर एवर इन कंट्री। तो 2016 सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा सिंस 1901, क्योंकि 0.71 degrees एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया से ये ज़्यादा था उस समय। नाउ इट इज 0.29 degrees मोर देन द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर। सो सच टेम्परेचर ट्रेंड्स वर रिपोर्टेड डिस्पाइट द कूलिंग इफेक्ट ऑफ लानीना। तो लानीना जो है सेंट्रल पैसिफिक ओशन में वी हैव दैट, एंड उसके वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है एंड इसके बावजूद भी टेम्परेचर राइज जो है वो देखा गया है 2020 में, एंड इट इज़ लिंक्ड टू सब्सटेंशियली बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स इन
विंटर तो ला नीना जो है बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स इन विंटर देखा जाता है, बट इवन देन टेम्परेचर राइज देखा गया है. तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियाज नियरली 0.3 डिग्री राइज वॉज लेस देन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ 1.2 डिग्री. सो ग्लोबल टेम्परेचर राइज 1.2 डिग्री सेल्सियस था एज पर द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट. सो उसके कंपेरिजन में इंडिया का ये टेम्परेचर राइज जो है दैट इज लेस. एंड अर्थ्स इंडिया का एथ वार्मेस्ट ईयर ये रहा, 2016 में सबसे ज़्यादा था हीट, देन 2009, 2017, 2010, 2015, 18 एंड 19 एंड 20, राइट. सो द पास्ट डिकेड 2011-20 वाज द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड. सबसे वार्मेस्ट डिकेड जो है 2011-2020 का रहा, ऐसा कहा जा रहा है. सो इस रिपोर्ट के द्वारा extremely heavy rains, floods, cold waves, thunderstorms led to a significant loss of life and property. According to the report, preparing India for extreme climate events released by the Council of Energy, Environment and Water, over 75% of the districts in India are hotspots of extreme climate events. So, पहले के रिपोर्ट्स भी बाय IUCN IPCC जो आए उनके द्वारा ये कहा गया कि इंडिया पर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा. ऑल्सो बाय दिस रिपोर्ट प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जो कि काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा रिलीज किया गया है, 75% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो इंडिया में है वो हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होंगे, ऐसा कहा जा रहा है. Globally, Atlantic Ocean experienced one of the most active years with over 30 tropical storms originating here. Atlantic Ocean mein 30 tropical storms originate hue. Indian Ocean region, Arabian Sea, Bay of Bengal together reported 5 cyclones, Amphan, Nisarg, Gati, Nivar aur Burevi. Theek hai, so these 5 cyclones were seen in 2020. So the report also says that the annual rainfall over the country in 2020 was 109% of the long period average calculated for the year of 1961 to 2010. So 1961 to 2010 ka long period average jo hai usse 109% extra rainfall jo hai hua hai uska, aisa kaha ja raha hai. So this was about the state of the climate report 2020. Pichle session mein humne question dekha tha, which of these is correct with respect to Bharatiya Nirdeshak Drav Pranali. SI unit is used to describe units of measurement in the international system. That is right. These are Indian reference materials developed by CSIR NPL, which is also right. So C, 1 and 2 is the correct answer. And aapka aaj ke liye question hai, state of the climate report 2020 jo release hui hai, kisne kiya hai, IUCN, WWF एंड IPCC, none of the above. जो भी आपको सही लगता है ABCID, प्लीज मेंशन करें इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स.